वहीं आगरा में नगर निगम ने एक नई पहल की है, जिसमें नगर निगम ने लव यू जिंदगी फाउंडेशन के साथ मिलकर 1,80,000 पौधे लगाए, जिसका उद्देश्य सड़क, रेलवे ट्रैक और नदी किनारे पेड़ लगाने का रखा गया है, जिसे सीड बॉल से हरियाली बढ़ाई जाएगी। वहीं गोवर्धन में लगने वाले राजकीय मुड़िया पूर्णिमा को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मुख्य सचिव, डीजीपी और कैबिनेट मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। वहीं मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अब तक की गई तैयारियों के विशेष जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए 1100 अतिरिक्त बसें मंगाई गई हैं। अतिरिक्त ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। इसी के साथ मेला परिसर क्षेत्र में 60 पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। पूरे मेले परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो उन्हें, और वो ऐसा अनुभव लेकर जाए हमारे बीच से कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की छवि और अधिक उज्ज्वल हो। बात की जाए टिकट की, तो टिकट का जो अमाउंट कितना आपने रखा है, और इमरजेंसी होने पर वो कैसे संपर्क करें कि कोई विभागीय जैसे कि कोई बात होती है वो रखना चाहते हैं, या उनके साथ कोई समस्या हुई है, उसके लिए क्या कुछ सर? उसके लिए हमने जो किराया है, हमने दोनों तरफ से 50 रुपए निर्धारित किया है, और कोई भी यात्री को कोई भी समस्या आती है तो जो नोडल अधिकारी के रूप में मेरा नाम है, और वे किसी भी समय 24 घंटे 87 26 00 50 33 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी तक आपने सुना, हमारे साथ थे यहाँ मथुरा मदन मोहन शर्मा जी, जो कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, जिन्होंने बताया कि मुड़िया मेला में रोडवेज का काफी अहम भूमिका रहती है, जो कि यात्रियों को सुगम स्थान तक लेकर जाते हैं और दर्शन कराते हैं। बाकी का अभी तक देखते रहिए अपने साथी के साथ। अजीत चौहान, प्राइम टीवी, मथुरा।